Hello and welcome to LK Academy online sessions. So the topic for the day is idioms and phrases. You're one of the most important topic here because SSC ke exams mein direct questions aate hain. Agar aapko idiom de diya jayega aur aapko uska meaning batana hai aur baki sare jitne bhi exams hote hain un sab mein ye indirect way mein diya jata hai, jaise ki reading comprehension ke beech mein aayega ya fir close test mein ya passage mein. या फिर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में गलत idiom दे दिया होगा और उसकी जगह आपको राइट idiom या फ्रेज का यूज करना है. सो हम देखेंगे कि इसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज एन idiom? Idioms आर अ टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच मीन्स दे आर नॉट ऑलवेज मेंट टू बी टेकन लिटरली. idiom वो होते हैं जब जिस फॉर्मेट में वो दिए होते हैं उसका एक्चुअल मतलब वो कभी नहीं होता है. जैसे कि हम समझ ले एक idiom दिया है रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सच में कुत्ते या बिल्ली की बारिश हो रही है. नहीं, उसका मतलब होता है इट इज रेनिंग हेविली, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है, तो उस idiom को कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग. तो idiom का कभी भी जो गिवन मीनिंग है वो उसका एक्चुअल सेंस नहीं होता है. idiom एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर सेंटिमेंट, वो एक तरह की बात बताना चाह रहा है थ्रू द गिवन वर्ड्स. वोकैबुलरी की तरह है कि जिसे आप कितना भी लर्न कर लो बट कुछ ऐसा है कि रह ही जाता है. जैसे आप इंग्लिश में वर्ड्स देखेंगे कि आपको सारे वर्ड्स नहीं याद है बट स्टिल हम एक प्रैक्टिस में रखते हैं कि डेली 5 या 10 न्यू वर्ड्स याद रखें, या और कोई भी अगर न्यू वर्ड हमारे एनकाउंटर में आ रहा है तो उसको देखें कि उसका क्या मीनिंग होता है. उसी तरह idioms एंड फ्रेजेस डेली यूज होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है. ये आपकी वोकैब को, आपकी ग्रामर को, आपके लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हैं और रिप्रेजेंट करने में idioms एंड फ्रेजेस के साथ अच्छा लगता है. सो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. एक idiom दिया है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रास एक साइड से कम ग्रीन है और एक साइड से ज्यादा ग्रीन है. कभी भी गिवन idiom को डिड्यूस करके उसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं. इस idiom का एक्चुअली मतलब होता है कि हमेशा हमें जो दूसरों के साथ हो रहा है वो अच्छा लगता है. मान लो हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें दूसरों का जॉब ईजी लगता है, या हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे का काम ज्यादा इजी लगता है, तो उसे बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द लॉयर ऑलवेज थॉट दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड एंड लेफ्ट हिज प्रोफेशन टू बिकम एन MBA, बट गेस व्हाट, ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब. उसे लगा कि वो जो लॉयर है तो वो जो लॉ का काम कर रहा है वो डिफिकल्ट है, तो उसने वो जॉब छोड़ दिया और अब वो MBA के लिए ट्राई कर रहा है, बट अभी तक उसको MBA ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब नहीं मिला. सो इसलिए इसे बोलते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर.